हाँ जी भाई, तो सबसे पहले तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 फरवरी से अन अकेडमी पे मिशन एनडीए 2021 बैच के नाम से कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हुआ है। तो जो भी मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए एक बेहद सुनहरा मौका है कि आप भी अन अकेडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अन अकेडमी ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दीजिए। और अन अकेडमी ज्वाइन करने के बाद प्लस कोर्सेज लेकर के आप ये बैच कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितने टॉप लेवल के एजुकेटर मिल करके आपकी तैयारी करा रहे हैं। फिर आप सोचिए इस बैच कोर्स से तैयारी करने के बाद आपकी तैयारी का लेवल क्या हो जाने वाला है। और साथ में जो मुझे एयरफोर्स के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए 4 फरवरी से ये जगुआर नाम का एयरफोर्स बैच कोर्स शुरू हुआ है, जिसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के आपकी तैयारी करा रहे हैं एयरफोर्स 2021 बैच के लिए। तो एयरफोर्स वालों के लिए भी एक सुनहरा मौका है कि आप भी अन अकेडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और इसी बार जो है अपना एग्जाम क्वालिफाई करके आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं एयरफोर्स में। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अन अकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में, अपने आप को उस पर रजिस्टर करिए। और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप जो है रेफरल कोड अगर मांगता है तो स्टैंडअप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो इन एजुकेटर की जो भी स्पेशल क्लासेस चलती हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख पाएंगे ये रेफरल कोड यूज करने के बाद। और साथ में जब कभी भी आप जो है प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही अन अकेडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर वर्दी लेनी है। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी नेवी एमआर और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए मैथमेटिक्स का स्पेशल क्लास नंबर 27 के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अल्जेब्रा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आज के क्लास में हम लोग स्टूडेंटशिप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट बनता है तो वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। और अलजेब्रा में आपसे आपका जो है जो पेपर होता है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़िएगा और उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ ए बाई बी इजक्वल टू 2/3 एंड बी बाई सी इजक्वल टू 4/5 देन द रेशियो ऑफ ए प्लस बी अपान ए बी प्लस सी इक्वल टू, ओके। यदि ए बाई बी इजक्वल टू 2/3 दिया हो और बी बाई सी इजक्वल टू 4/5 दिया हो तो ए प्लस बी बाई बी प्लस सी का अनुपात किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा देखिए क्या दिया हुआ है। ए बाई बी दिया हुआ है और बी बाई सी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, ए प्लस बी बाई बी प्लस सी का रेशियो पूछा है, ठीक है। ये बताइए ए प्लस बी में से और बी कॉमन कर लें, ए प्लस बी में से बी कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, बी कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, ए बाई बी प्लस 1 बचेगा, समझ में आया। अब बी प्लस सी में से अगर सी कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, बी बाई सी प्लस 1। ए बाई बी दिया हुआ है, बी बाई सी दिया हुआ है, तो ए बाई बी कितना है 2/3 प्लस 1 और बी बाई सी कितना दिया है 4/5 प्लस 1। सी कॉमन कितना दिया है 5 और बी कॉमन दिया है आपका, बी बाई सी का मान कितना दिया 4/5 दिया है, ठीक है। यहाँ से बी बाई सी ही हुआ ना, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, तो 4/5 और क्या था, ए बाई बी 2/3 प्लस 1, ओके। और बी बाई सी का मान कितना दिया है 4/5 प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा इसमें से 3 × 1 × 3 × 2 × 5 5/3 × 4 यहाँ पे 5 × 1 = 5 × 9 9/5 × 5, ठीक है। ये हुआ 9/5 × 5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 20 = 3/9 कितना हो जाएगा 20/3/9/1 नतीजा 27। इससे कितना हो गया 20/27, 20/27 इसका मान कितना आ गया 20/27 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिंपल से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, बस यही नहीं दिया हुआ था कि ए बाई बी बराबर 2/3 दिया हो और बी बाई सी बराबर कितना दिया हो 4/5 दिया हो, तो ए प्लस बी बाई बी प्लस सी का मान पूछा था। तो हम लोग क्या किए, ऊपर से बी कॉमन कर लिए, नीचे से सी कॉमन कर लिए। जब सी ए बी कॉमन करेंगे तो आपको बी कॉमन करने पर ए बाई बी बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो तो बी बी कैंसिल हो जाएगा बचेगा ये और प्लस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में, उसके बाद सी कॉमन कर लो तो बी बाई सी प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह इसको सॉल्व करो, उसके बाद वैल्यू फुट करके आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इजक्वल टू 7 एंड बी इजक्वल टू 5 एंड सी इजक्वल टू 3
देन द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी एज कितना होगा, पूछ रहा है। यदि ए बराबर 7 दिया हो, बी बराबर 5 दिया हो, सी बराबर 3 दिया हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। सिंपल सा देखो क्या होगा, ए की जगह 7 रख दो, बी की जगह 5 रख दो, सी की जगह 3 रख दो और उसको सॉल्व कर लो। देखो एक जगह हम लोग 7 रखते हैं तो क्या कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49, बी की जगह 5 रख दो 25, सी की जगह 3 रख दो, 3 × 3 = 9, ए बी कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, बी सी कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 और सी ए कितना हो जाएगा 7 × 3 = 21। इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 49, ये कितना 49 + 25 + 9, तो 49 + 25 + 9 कितना हो जाएगा, ये तीनों कितना हो जाएगा 83, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 35 और 15 और 21 कितना हो जाएगा आपका 71। 83 में से 71 घटेगा कितना बचेगा आपका 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वैसे हाई लेवल मत जाइएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जो भी मैं करा रहा हूँ आप लोग वो कर लीजिएगा। तो आपका जो देखिए जब जो मैंने पेपर सॉल्व कराया था आपका कोस्टकार्ड डीबी का, तो उसमें ऐसे आपके 3 क्वेश्चन थे, तो समान लीजिए आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसी से बनेंगे, तो जो कि ये बहुत बढ़िया बात है कि आपको उसमें कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है, कोई भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना कैलकुलेशन आना चाहिए, आपका आ जाएगा आराम से, ठीक है। ये बताइए 7x = कितना दिया, 1/343, ठीक है। 7 पावर कितना दिया, x दिया है, और ये कितना है 343। सिंपल बताओ इसमें क्या कर सकते हो, सिंपल बस यही कर सकते हो ना, ये क्या 343 किसका क्यूब क्यूब है बताओ, 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब 7 × 3 को ऊपर ले चले जाओ कितना जाएगा, 7 × -3, जब बेस सेम है तो आपका पावर क्या होगा सेम होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, x बराबर -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ x * y = देखिए यहाँ क्या स्टार है, ओके, यानी x * y = कितना दिया, x² + y² - xy दिया हुआ है। देन द वैल्यू आप क्या पूछा, 9 * 11, x² और y का मान इतना दे दिया तो 9 * 11 का मान पूछा है। सिंपल सा यार, इसमें कुछ नहीं करना है, x की जगह 9 रख दो, y की जगह 11 रख के इसको सॉल्व कर दो, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 81, प्लस y का स्क्वायर करोगे यानी 11 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 121, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे 11 × 99, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 202, और ये हो जाएगा 99, कितना बचेगा 103, 103 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आज तो मान लीजिए आपका बेसिक क्लास है, तो आपका थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, कल के क्लासेस में और इसका लेवल हम मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि हाँ हमें कैसे और भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इफ़ 5 × 5 = 1 देन x = कितना होगा, इसका मान इतना है तो बराबर x, तो बताओ x का मान कितना होगा। सिंपल सा ये बताओ, 1 बराबर दिया है तो इसको क्या लिख सकते हो, मान लीजिए a^0 का मान कितना होता है 1 होता है, एक जगह कोई भी नंबर रख दो, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 किसी कोई भी नंबर हो, उसके पावर अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। तो हम 1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, बेस बराबर बेस 5 है तो हम इसको 5 मान के उसका बेस सेम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से समझ में आया, 5 × 5 = 5 = 5 / 0, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो गया सेम हो गए, तो 5 × x + 5 = 0, यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा -1, x बराबर कितना हो गया -1, कैसे देखो 5 × x + 5 बराबर कितना दिया था 0, तो 5 × x बराबर कितना हो जाएगा -5, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है, बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ x y = 3/4 देन द वैल्यू ऑफ 6/7 + y - x / y + x, यदि कह रहा है यदि x = y बराबर 3/4 दिया हो तो 6/7 + y - x / y + x का मान कितना होगा। तो बस सिंपल सा क्या करना है, x की जगह 3 रख दो, y की जगह 4 रख दो, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सिंपल सा 6/7 + 4 - 3 + 4 + 3 सॉल्व कर लो, 6/7 + 1/7, समझ में आया, 3 + 1
चार तीन सात, तो छः एक सात बटे सात, सात बटे सात कैंसिल होकर कितना बचेगा वन, है ना। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ एक्स इक्वल टू सेवन माइनस फोर अंडर रूट थ्री देन रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा देखो, एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स बराबर कितना दिया है सेवन माइनस फोर अंडर रूट थ्री, ठीक है। अब बताओ सेवन माइनस टू इंटू टू रूट थ्री लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब सेवन की जगह क्या रख दो, ये ए मान लो, ये बी हो गया, इसकी जगह क्या रख सकते हो, टू टू जब फोर प्लस थ्री माइनस टू इंटू टू रूट थ्री। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो किसका है फोर माइनस सॉरी टू माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, टू माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर है, यानी एक्स बराबर कितना आ गया आपका, एक्स बराबर आपका आ गया टू माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, तो रूट एक्स बराबर कितना हो गया टू माइनस रूट थ्री। रूट एक्स का मान कितना आ गया आपका, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, रूट एक्स का मान कितना हो गया टू माइनस रूट थ्री। अब क्या निकालना, वन बाई रूट एक्स, वन बाई रूट एक्स, तो वन बाई टू माइनस रूट थ्री, इसका मल्टीप्लाई कर दो कॉन्जुगेट से, प्लस से टू प्लस थ्री, ये हो जाएगा टू प्लस थ्री, और नीचे कितना हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी का कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दो दूनी चार माइनस तीन एक, तो अंडर रूट थ्री का इसका करो तो थ्री होगा, और ये किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर चार, और रूट थ्री का स्क्वायर तीन, यानी चार में तीन जाए एक, तो कितना बचेगा टू प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री। अब बताओ यहाँ से रूट एक्स का मान कितना आपका आया था टू माइनस रूट थ्री, और वन बाई रूट एक्स का मान कितना आ गया आपका टू प्लस रूट थ्री, दोनों को क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड कर दो इसको, ऐड करने पर कितना आएगा टू माइनस रूट थ्री प्लस टू प्लस रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री से कैंसिल आउट, बचेगा कितना आपका चार, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही बस थोड़ा सा इसको देखना था, और कुछ खास दम नहीं था, चाहे तो आप लोग और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, आपको एग्जाम में जैसे कि क्वेश्चन है ना ऊपर, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, और जो भी मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, वो क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है एग्जाम में, ठीक है। और आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता है तब भी आराम से आप 15 में से 10 नंबर 12 नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है, कोई इतना टफ पेपर उसका नहीं होता है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपका पेपर मार्च एंड में, अभी आपका फरवरी चल रहा है, ठीक है, तो अभी आपके पास लगभग लगभग 20 से 40 दिन के आसपास में आपके पास टाइम है, तो आप लोग मेहनत कीजिए और उसको अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है। ये देखो क्या दिया हुआ, इफ 0.13 इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 देन पी इज इक्वल टू व्हाट, पूछ रहा है यदि 0.13 कूड़े पी स्क्वायर बराबर 13 है तो पी का मान किसके बराबर है। मैं मैक्सिमम ये क्वेश्चन देखता हूँ कमेंट बॉक्स में, सर हिंदी या इंग्लिश, देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा ना कोस्ट गार्ड का, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन इंग्लिश में समझना पड़ेगा। मैं भले ही से दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ कि जो जो बेचारा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश को समझने की कोशिश करे। अब आपको ऐसा नहीं कि आपको दोनों लैंग्वेज में आपको कॉन्टेंट मिल रहा है तो आप लोग दोनों सिर्फ हिंदी पढ़ें, नहीं, हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश को भी देखे कि इंग्लिश में क्या क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ठीक है, जिससे उसको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन में क्या, क्योंकि वहाँ पर हिंदी नहीं होगा, वहाँ पर हो सकता है हिंदी हो, अगर आपका भाग्य सही रहा तो हो सकता है वो हिंदी हो, लेकिन मैक्सिमम मान के चलिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है। अगर हिंदी होता तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को कि दोनों लैंग्वेज में आप पेपर समझें, ठीक है। देखिए इसका बड़ा इतना ज़्यादा पी का मान पूछा, सिंपल से क्या करेंगे, पी स्क्वायर बड़ा क्या कर देंगे 13/0.13, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13, ऊपर जीरो कर दो, यहाँ पे 13, ये कितना हो जाएगा 100, कितना हो गया पी स्क्वायर बराबर 100, तो पी स्क्वायर बराबर 100 हो गया, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा आपका रूट 100, यानी पी बराबर कितना हो गया 10, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। बस देखिए क्या दिया है, इफ़ एक्स इक्वल टू इतना है ठीक है, अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री 2 है, तो देन द वैल्यू आप कितना पूछा है, एक्स क्यू प्लस 1/x³ पूछा है ठीक है। तो यदि इतना बराबर इतना, तो कितना बताना है आपको, एक्स क्यू प्लस 1/x³ का मान बताना है। एक्स बराबर कितना दिया, रूट थ्री प्लस रूट टू दिया हुआ है ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने की, कैसे इसको सॉल्व किया जाए ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस क्या निकालना है, एक्स क्यू एंड 1/x³। एक्स क्यू निकाल देंगे तो 1/x³ अपने आप निकल जाएगा ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी सी डी जो भी आपका आएगा वो आप लोग कमेंट करेंगे। बाकी जो मैं भी जो जो मैं जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ और भी वीडियोज़ में और भी क्लासेज में जो मैं क्वेश्चन देता हूँ, तो उसका एक आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, या GD का हो या DB का, कोई किसी कोई कोई भी हम क्लास लेते हैं मैथ का, उसमें सभी में मैक्सिमम स्टूडेंट कमेंट करते हैं ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए और इसका जल्द ही आपका DB का जो है कंप्लीट करा कर उसका एक को बढ़िया 15 नंबर 20 नंबर का सब 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 सब्जेक्ट से सब चैप्टर से मिलाकर आपका एक टेस्ट होने वाला है ठीक है। तो आप लोग उसके लिए भी तैयारी करते रहिए और आप लोग और भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते रहिए ठीक है। चलिए स्टूडेंट आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।